इन दिनों युवाओं में टिकटॉक ऐप पर वीडियो बनाकर डालने का खूब क्रेज है, जिसकी वजह से कोई फेमस भी हो रहा है तो कोई कुछ ऐसा कर जाता है जिससे विवाद भी होने लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान में, जहां पर पॉपुलर टिकटॉक गर्ल हरीम शाह एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल हरीम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे उन्होंने पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के कॉन्फ्रेंस रूम में शूट किया है। हरीम शाह इस वीडियो में हाई सिक्योरिटी वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के कॉन्फ्रेंस रूम में मस्ती में घूमती फिरती दिख रही हैं। यही नहीं, हरीम शाह इस दौरान पाकिस्तान के पीएम की कुर्सी पर भी बैठ जाती हैं और वीडियो में बैकग्राउंड में दीवाना कर रहा है गाना भी चल रहा है। हरीम का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, यूजर्स ने आलोचना करना शुरू कर दिया। वीडियो को देख पाकिस्तान के अधिकारियों ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। हालांकि हरीम शाह का कहना है कि वो इजाजत लेकर ही मंत्रालय के ऑफिस में दाखिल हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर नियमों के खिलाफ था तो अधिकारियों को उन्हें वीडियो बनाने की इजाजत नहीं देनी थी। हरीम का कहना है कि मैं नेशनल असेंबली भी गई थी, वहां से मैंने अपना पास लिया और उसके बाद विदेश मंत्रालय में दाखिल हुई। मुझे वहां किसी सुरक्षा कर्मी ने नहीं रोका। इसके बावजूद वीडियो पर कुछ लोग नाराजगी जता रहे हैं तो कुछ इमरान खान सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं। न्यूज़ डेस्क।